नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। इनमें डिफरेंस क्या होता है, पहचानेंगे कैसे, बुक की लैंग्वेज एकदम आपको नहीं पढ़नी बेटा, बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, और आपके व्यवहारिक जीवन से प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताऊंगा, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो इन वर्ब्स को पहचानने में। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको समझना भी चाहिए। तो आइए कुछ बेसिक चीजें पहले जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ बातें भी हैं। किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश बाय उदय सर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से। सबसे पहला काम करिए इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ, लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो मैं वीडियो शेयर करता हूँ टेलीग्राम में। तो बहुत से बच्चों का कॉल आता है, मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो बेटा आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। राइट, 8299752730 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, 9613947257 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पढ़ते समय किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो क्या है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि रिपब्लिक डे वीक चल रहा है इस समय बच्चों, रिपब्लिक डे वीक चल रहा है, तो पेड कोर्स में 60% का डिस्काउंट चल रहा है, केवल 2 दिन और है, जितने बच्चों को भी लेना है। और मैं बता दूं पेड कोर्स केवल 2 एग्जाम के लिए चल रहा है, एक तो यूपी टेट के लिए चल रहा है और एक बेटा सुपर टेट के लिए चल रहा है। राइट, एक यूपी टेट के लिए चल रहा है और एक सुपर टेट के लिए चल रहा है। जितने बच्चों को भी चाहिए पेड कोर्स, क्लासेस उनको सारी मिल जाएंगी, पूरा बेसिक से आप पढ़िए। और 2021 में बेटा बहुत एग्जाम्स हैं, राइट, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी भर्तियां भी हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ें और इस अवसर का लाभ उठाएं। 9616947257 पर बस यही करना है आपको, अपना नेम, सिटी, स्टेट लिखकर भेज देना है, जहां से भी हैं आप। राइट, पूरे इंडिया से लोग पेड कोर्स ले रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है चैनल को, और ये सब बेटा आपकी वजह से है। राइट, मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। तो आप लोग पढ़े, अगर एक बच्चे का भी प्रॉपर सिलेक्शन होता है किसी भी जगह से होता है तो मैं आप लोग को बहुत धन्य समझूंगा, और इस बार सिलेक्शन बहुत सारे होने वाले हैं। राइट, तो चलिए आइए देखते हैं जो आज टॉपिक है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। इसको शुरू करने से पहले बेटा कुछ बेसिक सी बात मैं आप लोग को बता दूं। देखिए होता क्या है, किताबों में जो बुक की लैंग्वेज है वो ऐसी है, डूअर होता है, ऑब्जेक्ट का प्रभाव, सब्जेक्ट पर प्रभाव, कुछ नहीं करना है बेटा आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बता रहा हूँ, उसे आपको करना है। पहले आइए देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है बेटा, पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांसिटिव में मेरी बातों को सुनिएगा, अगर मेरी मेरे जो जो टॉक्स हैं, जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, वो अगर आप सुन ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको रट जाएगा। जो ट्रांसिटिव है इसमें देखिए ट्रांस लगा है, ट्रांस का मतलब याद रखिए ट्रांसफर। राइट, यानी दो तरह के वर्ब होते हैं, एक बड़ा कमजोर टाइप का होता है और एक बहुत मजबूत होता है। एक वर्ब ऐसा होता है जो कहता है अरे सर मैं आंसर नहीं दे सकता जब तक मेरे बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक वर्ब ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, वो अपनी मीनिंग दे ही नहीं सकता बिना ऑब्जेक्ट के, तो वो ट्रांसफर कर देता है अपनी चीजें किस पर, ऑब्जेक्ट पर, उसी को कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, यानी देखिए ही रोट अ लेटर, देखिए रोट अ लेटर, यहां दो चीजें लिखी हुई है। अगर इस सेंटेंस को केवल मैं ऐसा लिख दूं ही रोट, देखिए अगर बेटा मैं केवल लिख दूं ही रोट तो तुम कहोगे सर क्या आप लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, पोयम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसकी तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है। तो रोट बड़ा परेशान हो जाएगा, रोट कहेगा ओह मैं तो मीनिंग दे ही नहीं पा रहा हूं। तो रोट को जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की, किसकी जरूरत है बेटा, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जो वर्ब ऐसा होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड रहता है, जो अपनी चीजों को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर देता है मीनिंग के लिए, मीनिंग वो कहता है भैया हम तभी दे पाएंगे जब मेरे बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, वो हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब। तो रोट अगर कोई पूछे आपसे क्या है, हाँ तो बेटा ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, ट्रांसफर चीजें ऑब्जेक्ट पर कर रहा है। जेसिका रीड्स, अगर मैं कहूं जेसिका रीड्स व्हाट, बताइए व्हाट, जेसिका रीड्स व्हाट, क्या पढ़ती है जेसिका, तो बेटा आप कहोगे अब मुझे तो पता ही नहीं क्या पढ़ती है, जैसे ही मैंने आप बुक लिखा बेटा मीनिंग निकल के आ रही कि नहीं आ रही है। अगर मैं केवल कहूं जेसिका रीड्स तो आप कहोगे सर क्या पढ़ती है, आई डोंट नो व्हाट। तो याद रखिएगा व्हाट का जो आंसर होता है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो क्या हो जाएगा, वर्ब कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रिक्स याद रखिए, जो वर्ब इतना कमजोर होता है, जो अपने ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है पूरे सेंटेंस की मीनिंग देने के लिए, वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होता है, वो चीजों को ट्रांसफर कर देता है, खुद नहीं कुछ करना चाहता है, कहता है मीनिंग तो भैया हम तभी देंगे जब बाद में एक ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या आप यूं कह लें जो वॉट का आंसर होगा। ठीक है, दो ट्रिक मैंने बताई, एक ट्रांसफर वाली, एक वॉट का आंसर वाली। पहला देखिए ही रोट, ही रोट में भी वॉट का आंसर मांगिए क्या है, ही रोट, उसने लिखा था, क्या लिखा था, लेटर,
यानी रूट भी क्या हो गया, ट्रांसट्यूबर। ही जेसिका रीड्स, जेसिका पढ़ती है, क्या पढ़ती है, व्हाट का आंसर, अब बुक, तो रीड्स भी क्या हो गया, ट्रांसट्यूबर हो गया। आई एट, मैंने खाया था। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, आप तो ये तो बता ही नहीं रहे क्या खाया था, तो बेटा व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, आ मैंगो। तो व्हाट का आंसर पूछते जाओ, आंसर निकालते जाओ, ट्रांसफर भी हो रहा है, व्हाट का आंसर, दोनों ट्रिक याद रखो। आई एट पूरी मीनिंग तभी देंगे जब मैंगो आएगा, तो एट भी क्या हो गया, ट्रांसट्यूबर हो गया। आई बेक, आई बेक मैंने बनाया था, क्या बनाया था, सम कुकीज, यानी व्हाट का आंसर क्या आ रहा है बेटा, सम कुकीज। तो बेटा छोटी सी बात है, जो भी व्हाट का आंसर है, जिस वर्ब में इतनी ताकत ना हो, जो खुद में मीनिंग दे पाए, जो वर्ब इतना कमजोर हो, जो वर्ब इतना कमजोर हो जो मीनिंग को देने के लिए अपने बाद वाले ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसट्यूवर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रांसट्यूवर्ब। तो बस ये याद रखिएगा, एक तो व्हाट का आंसर और एक ट्रांस वाली ट्रिक, दोनों ट्रिक याद रखेंगे बच्चे, हमेशा के लिए ट्रांसट्यूवर्ब क्या होते हैं याद हो जाएगा। अब देखते हैं इन ट्रांसट्यूवर्ब, बस उसका उल्टा कर दो। ये वाले वर्ब भैया बहुत ही मजबूत होते हैं, ये वर्ब बहुत ताकतवर होते हैं। इनका कहना होता है अरे हमें नहीं जरूरत किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, हम खुद में इतने सक्षम हैं कि हम मीनिंग दे देंगे। देखिए क्या लिखा है, स्नो फेल यस्टरडे। अब फेल यहाँ पे क्या है, फेल यहाँ पे क्या है बेटा, वर्ब है। अब अगर मैं फेल से व्हाट का आंसर मांगू, कुछ निकलेगा, फेल व्हाट कुछ नहीं निकल रहा है, और मीनिंग भी निकल रही कि बर्फ बर्फ जो है कल गिरी थी, तो भैया फेल खुद में मीनिंग दे, और सेंटेंस भी पूरा हो गया, कल जो है बर्फ गिरी थी बिल्कुल। तो अब ये क्या हो गया, इनट्रांसट्यूवर्ब हो गया। क्या हो गया बेटा, इनट्रांसट्यूवर्ब। तो इनट्रांसट्यूवर्ब को ना भैया व्हाट की जरूरत होती है और ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ये बड़ा स्ट्रांग होता है, ये कहता है खुद में मैं मीनिंग दे सकता हूँ, मुझे किसी भी सी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है बेटा, राइट, मुझे ना डायरेक्ट वायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, किताबें मत पढ़िए, रटिए मत उसको बेटा, किताबों में लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डूअर का एक्शन, उस पर एक्शन, ये एक्शन वो एक्शन, कुछ नहीं, बस व्हाट और ट्रांसफर वाली ट्रिक याद रखिए, जिस वर्ब से तुम्हें व्हाट का आंसर ना मिले, इनट्रांसट्यूवर्ब। वी फेल्ड, हम लोग फेल हो गए थे, अब बताइए फेल यहां पे वर्ब है, बताइए फेल यहां पे बेटा वर्ब है, अब इसको किसी व्हाट की जरूरत है, क्या तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर व्हाट का आंसर यहाँ क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं, सेंटेंस ही पूरा हो गया, हम लोग फेल हो गए थे। मीनिंगफुल सेंटेंस है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो वर्ब बना दे बिना ऑब्जेक्ट के, उसी को कहते हैं बेटा इनट्रांसट्यूवर्ब। शी इज स्लीपिंग, अब भैया वो सो रही है, तो स्लीपिंग को क्या किसी व्हाट की जरूरत है, वो सो रही है, क्या सो रही है, कोई मतलब ही नहीं है, सी स्लीपिंग सेंटेंस का मीनिंग भी दे रहा है, तो स्लीपिंग यहाँ क्या हो गया, इनट्रांसट्यूवर्ब हो गया। डैड स्माइल्ड, डैड जो है मुस्कुराए थे, अब भैया डैड मुस्कुराए थे, सेंटेंस भी पूरा हो गया और किसी ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है, तो स्माइल्ड क्या हो गया बेटा, इनट्रांसट्यूवर्ब हो गया। तो ये ट्रिक्स हैं बेटा, ये ट्रिक्स हैं। करण वॉज वीपिंग, करण रो रहा था, अब देखिए वीपिंग यहाँ वर्ब है, करण रो रहा था, पूरी मीनिंग भी दे रहा है, सेंटेंस भी पूरा है, और किसी वॉट या ऑब्जेक्ट की इसे जरूरत नहीं है। तो कितना आसान है बेटा, जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, जिसे पूरी मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, जो वॉट का आंसर दे, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होता है, ट्रांसट्यूवर्ब। और जो वर्ब इतने ताकतवर, इतने पावरफुल होते हैं, जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, किसी वॉट आउट की जरूरत नहीं होती, इनट्रांसट्यूवर्ब। ठीक है, आइए थोड़ी प्रैक्टिस तो कर लें, अब मैं बोलता जाऊं आप लोग बताते जाइए। विनय, विनय मूव्ड द कार, ठीक है, अब बताइए विनय मूव्ड द कार, ये ट्रांसट्यू, यहाँ पे जो मूव्ड वर्ब है, अगर इसे मैं अंडरलाइन कर दूं, बताइए बेटा ट्रांसट्यूवर्ब है कि बेटा ये इनट्रांसट्यूवर्ब है। तो आप कहोगे विनय मूव्ड, मूव्ड से बेटा जरा वॉट का आंसर मांगो, निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, मूव्ड बड़ा कमजोर वर्ब है, विनय ने हटाया था, घुमाया था, चलाया था, क्या क्या एक कार, व्हाट का आंसर क्या निकल रहा है, कार एक ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मूव्ड क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसटिवर्ब हो जाएगा। इसने इतना कमजोर था सब ट्रांसफर कर दिया, सकर्मक क्रिया आप इसे कहते हो, क्या कहते हो, सकर्मक, ठीक है, बिल्कुल। रीता सौ सीता, रीता ने देखा था, अब सौ, अगर मैं इतना लिख के सेंटेंस छोड़ दूं, रीता सौ, रीता ने देखा था, तो आप कहोगे सर क्या देखा था, किसको देखा था, व्हाट, हुम, किसको देखा था, सीता क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी वर्ब के डायरेक्ट बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं, सौ क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगा। अब देखिए अगला सेंटेंस, विजय इज प्लेइंग फुटबॉल, विजय खेल रहा है, प्लेइंग से जरा व्हाट का आंसर मांगो, हमने अगर व्हाट से आंसर मांगा, व्हाट से आंसर मांगा, तो व्हाट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, तो प्लेइंग अपने आप क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव वर्ब, क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव वर्ब। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, आप जरा देखो दोनों प्लेइंग है, लेकिन दोनों प्लेइंग में जमीन आसमान का अंतर है, इस बार प्लेइंग से जरा व्हाट का आंसर मांगो, निकलेगा कुछ, कुछ नहीं निकलेगा, ही इज प्लेइंग, फील्ड को थोड़े ना खेल रहा था। और देखिए जो फील्ड आया है ना, ये तो इनके बाद आया है, इनके बाद वाला ऑब्जेक्ट है, क्या प्लेइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है,
राइट इन द फील्ड, फील्ड मैदान में खेल रहा है, प्लेइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट का भी आंसर नहीं दे रहा है, तो यहां पर प्लेइंग क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। दूसरा वाला जो बच्चे प्लेइंग हो गया वो इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। तो बड़ी सरल सी बात है, मैं बार बार बताया बता रहा हूँ, सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जो बड़ी कमजोर टाइप की होती है, जिनको एक वर्ब की जरूरत होती है, जिनको व्हाट की जरूरत होती है, और अकर्मक क्रिया आप लोग बोलते हो, सकर्मक अकर्मक, अकर्मक क्रियाएं इंट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जो बड़े स्ट्रांग होते हैं, जो कहते हैं मैं खुद सक्षम हूं मीनिंग देने के लिए, मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी व्हाट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी हुम की जरूरत नहीं है, राइट। देखिए अगला, देखिए प्रभात, प्रभात रन्स फास्ट, क्या लिखा हुआ है, प्रभात रन्स फास्ट। अब रन्स से जरा व्हाट का आंसर मांगो, क्या निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, प्रभात तेज दौड़ता है, तो भाई सेंटेंस भी पूरा हो गया, किसी कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं आया, तो इस बार रन्स क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, फास्ट तो यहाँ एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़ियां उड़ती हैं, फ्लाई, फ्लाई क्या है बेटा यहाँ पे, इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्यों है इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि चिड़िया आकाश में उड़ती है, क्या फ्लाई को जरूरत है कुछ ट्रांसफर करने की इन द स्काई में, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, अगर मैं लिख देता ये भी तब भी सही था, इन द स्काई मैंने लगा दिया तब भी सही है, लेकिन ये ट्रांसिटिव नहीं है, फ्लाई इतना स्ट्रॉन्ग वर्ब है कि ये अपना एक्शन किसी पर ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ठीक है। और देखिए जो द स्काई आया है वो इन के बाद आया है, प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, फ्लाई के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, लेकिन भाई साहब फ्लाई इन ट्रांसिटिव बिल्कुल सही है, लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, आई कैन फ्लाई, मैं उड़ा सकता हूं, इस बार फ्लाई देखिए व्हाट का आंसर दे रहा है, इस बार फ्लाई बेटा व्हाट का आंसर दे रहा है, मैं उड़ा सकता हूं, क्या उड़ा सकता हूं, अ काइट, तो इस बार फ्लाई क्या हो जाएगा बेटा, इस बार फ्लाई ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। दोनों फ्लाई को जरा गौर से देखिए, दोनों सेंटेंस को जरा गौर से देखिए और आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, इसमें फ्लाई का कोई व्हाट का आंसर नहीं है, दूसरे में व्हाट का आंसर है। आशीष फॉट वेरी वेल, आशीष बहुत अच्छा लड़ा था, अब आशीष फॉट व्हाट, वेरी वेल थोड़े ना लड़ा था वो, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, व्हाट का आंसर नहीं आ रहा, फॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। तो बड़ा कितना आसान है बच्चों, आप लोग समझिए बच्चों कितना आसान है, केवल आप प्रैक्टिकली अगर पढ़ लो, ठीक है। अब मैं दो सेंटेंस आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक दे रहा हूं मोहन किक्ड अ बॉल, आपको आंसर मैसेज बॉक्स में देना है, वन का जो भी आपको आंसर लग रहा है, अगर लग रहा है ट्रांसिटिव वर्ब तो ट्रांसिटिव वर्ब आप टीवी लिखोगे, इन ट्रांसिटिव वर्ब लिख रहा है तो आईवी लिखोगे, बस इतना लिख देना, क्लियर है। और ही लाव्ड, वो हंसा था, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, इन दोनों का आंसर आपको इनबॉक्स में देना है, किसमें देना है, इनबॉक्स में देना है। तो याद रखिएगा, किताब के अकॉर्डिंग भी बता दें, बड़ी कम शब्दों में बता दें, जिस वर्ब को बेटा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, नीड ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब। ये वर्ब बड़े कमजोर होते हैं, ये अपने आप में मीनिंग ही नहीं दे पाते हैं। और जिस वर्ब को बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वो क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब। ये बड़े मजबूत होते हैं, अपने आप में ही मीनिंग देते हैं, इनको किसी वर्ड और की जरूरत नहीं होती। बाकी जो मैंने ट्रिक्स बताई वो भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बेटा। पेड कोर्स चल रहा है, ठीक है, और इस नंबर पर आप मुझे अपना नेम, सिटी, स्टेट लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको सारे वीडियोस भेज दूंगा, लिंक आपको भेज दूंगा, आराम से देखिए। समय बेटा बार बार नहीं आता है और कोई भी नंबर वन हमेशा नहीं रहता है, मैं बार बार कहता हूँ, जो समय आपको मिला है उसको यूटिलाइज करिए, ऐसे यूटिलाइज करिए कि आप सेट हो जाइए, अपनी लाइफ को सिक्योर करिए, और आपके सेट होने से केवल आपकी लाइफ सिक्योर नहीं हो रही है, बहुत लोगों की लाइफ सिक्योर हो रही है। तो बिल्कुल भी इस समय लेजी मत बनिए, ठीक है, बिल्कुल एक्टिवनेस के साथ, फुर्तीले पने के साथ पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।